नमस्कार दोस्तों, आज 4 जुलाई 2022 है। आज यूएस मार्केट्स बंद हैं। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। और अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा मेंटरिंग प्रोग्राम फ्रेशली रीलॉन्च रीपैकेज्ड अब अवेलेबल है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हों तो 9871066337 पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ हफ्ते में 3 दिन, 2-2 घंटे हम आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पर गाइडेंस देंगे और ये एक मंथली प्रोग्राम होगा। अब आज यूएस मार्केट्स बंद हैं तो वो तो देखने के लिए है नहीं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स मेरे दिमाग में आए। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो आपको पिछले 3 महीनों में काफी ताबड़तोड़ सेलिंग नजर आई है। अगर आप और पीछे जाके देखें तो ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि 3 महीने डाउन होने के बाद चौथा मंथ भी डाउन हुआ हो। प्लस आज आप लोगों ने सुना होगा कि पाम ऑयल प्राइसेस क्रैश हुए हैं, एग्री कमोडिटीज, व्हीट, सोयाबीन, ये सब क्रैश हुए हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं मेटल्स क्रैश हुए, तो अब इन्फ्लेशन में रह क्या गया? अब इन्फ्लेशन में सिर्फ ब्रेंट क्रूड या क्रूड ऑयल रह गया, और अगर वो भी नीचे आ जाता है तो मेरे हिसाब से दुनिया की सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और बहुत तेज रैलीज हमें यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो उसको खेलने का एक तरीका है कि अगस्त 17,000 की कॉल्स लें, क्योंकि 87 to 90 के बीच में है, और अगर बाजारों में बहुत तेज रैली आती है और 17,000 तक आप जाते हैं, अगले 2 महीने का टाइम है, तो इजीली आपको ये 90 रुपीज की चीज 350-400 तक मिल सकती है। ये उस टाइप का ट्रेड है जो हर कुछ महीने बाद मैं देता हूँ, और अक्सर इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का होता है। अब इस वक्त अगर हम SGX निफ्टी देखें तो उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि यूएस मार्केट्स डाउन है, लेकिन मोटे तौर पे आप 15,800 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। अब कल अगर इंट्राडे की बात करें तो यहां पे आपको ये नजर आ रहा होगा ये एक ट्रेंड लाइन है, और अगर ये क्रॉस होती है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको इजीली 300 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, 16,150 तक आपको ट्रेंड मिल सकता है। अगर हम इसको इसमें और चीजें भी लगाकर देखें, ये इसमें मैंने 5 और 20 पीरियड एवरेज लगाई हुई है सिंपल। अगर हम इसमें 50 पीरियड एवरेज लगा के देखें तो इस वक्त ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है ये कुछ 16,160 के आसपास आ रही है, तो ये भी जो है इस टारगेट को कंफर्म कर रही है। ये ट्रेंड लाइन हमने कल बनाई थी, इसके ऊपर अगर एक बारी हम निकलना शुरू हो जाते हैं तो अगले 200 पॉइंट, 250 पॉइंट बहुत इजीली आ जाएंगे। ये ट्रेंड लाइन इस वक्त कुछ 16,050 के आसपास है,
मतलब ये है कि मार्केट बहुत ओवरस्ट्रेच्ड है नीचे, और धीरे धीरे न्यूज फ्लो टर्न हो रहा है, और टर्न हुआ और मार्केट ने इसका कॉग्निसेंस लिया। अब आप इसमें देख सकते हैं कि यूएस 10 ईयर यील्ड जो थी, वो भी मैंने दिखाई थी कल, वो नीचे आ रही है। तो इन्फ्लेशन एक हद तक थोड़ा सा कूल ऑफ कर रही है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। तो यहाँ पे हमने कल 34,150 की बात करी थी, यहाँ से पिछली बारी वापस आया था। एक बार ये 34,150 क्रॉस होता है तो अगला टारगेट जो है 34,450 50 BM में, प्लस ये जो गैप का लो है इसमें, इस कैंडल का जो लो है 34,752, यहाँ तक हम इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ट्रेंड लाइन बनाएं। ये ट्रेंड लाइन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको बहुत क्लियरली नज़र आए कि मार्केट जो है ब्रेकआउट कर रही है। अब ये ब्रेकआउट 34,400 के आसपास आता है, यहाँ पे अगेन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अपस्विंग आ सकती है, और वो अपस्विंग आपको ऑल द वे टू 36,000 तक जा सकती है। अगर आप जो है सही मानों में रैली शुरू हो जाए यहाँ से, तो 2,000 पॉइंट की रैली इजीली आ सकती है। सिमिलरली 16,800 ये वाला जो स्विंग हाई है, यहाँ तक आपको निफ्टी की रैली मिलने का चांस है, अगर सब कुछ वर्कआउट हो जाए। तो ये अगर बहुत ज़रूरी है, और इसमें हम 200 देखने जरूरी है। ये 200 जो है ये भी कोई 16,800 तक आ रही है, तो ऑलमोस्ट इस कैंडल पे हाई पे ये 200 DMA आ रही है। और जब जब 200 DMA से बहुत दूर जाता है, वापस 200 DMA तक रैलीज आती हैं। बैंक निफ्टी में हम सिमिलर लेवल देखें तो अगेन 200 DMA भी आपके उस टारगेट को कंफर्म कर रही है जो अभी हमने आपको 36,000 के आसपास बताया। अब इस तरह की आउट ऑफ मनी कॉल्स लेने का ये सही समय है, क्योंकि तो बाजार ओवर स्ट्रेच हैं। जैसे ही अच्छी खबरें आई, आपको बहुत तेज रैलीज ऊपर की तरफ मिलेंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका अहेड ऑफ टाइम फायदा उठा पाए। अब ये आज का चेंज इन ओआई है, यहाँ पे देखें पुट राइटिंग ही पुट राइटिंग है 15,900 तक। ये चेंज इन ओआई की बात हो रही है आज, तो आज काफी जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटर तो भाग गया 16,200 और 16,300 पे। तो इससे यह पता लग रहा है कि मार्केट बुलिश है। अब जिस दिन मार्केट ऊपर जाती है, उस दिन इस तरह का सिनारियो नजर आता है। ये कई बारी चेंज भी हो जाता है अगले दिन। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि बिल्कुल आप जो है कंप्लेसेंट हो जाएं। यहाँ भी जो है मेजर कॉल राइटिंग क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में 16,000 और फिर 16,200 पे है, लेकिन 15,000 का जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर पड़ रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है तो 34,000 पे काफी इस वक्त जबरदस्त अक्यूमुलेशन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ हम चेंज इन ओआई देखें तो फिर ये देखने में आ रहा है कि
यहाँ पे पुट राइटिंग काफी हावी है, और एक बारी हम 34,000 के ऊपर निकले तो अगला आपका जोन जो होगा वो 34,500 होगा। तो मार्केट इस बारी लगता है सीरियस है अबाउट क्रॉसिंग ऑफ 34,000 एंड 16,000। एक चीज देखने वाली है वो है ये रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस फिलहाल सपोर्ट पे खड़ा है, और अगर एक दो दिन यहाँ पे और सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से रिलायंस में भी कुछ हद तक बाइंग वापस आ सकती है, क्योंकि आज लोअर लेवल पे जितनी बारी भी गया बाइंग देखने में मिली है। डेफिनेटली किसी तरह का पॉज है, हमें जाना है 2450 के ऊपर और तब हमें रैली में कॉन्टिन्यूएशन नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आज ज्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए क्योंकि S&P बंद है। मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए, और जो ब्रेकआउट का जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, एक 10% रैली जो मार्केट्स में देख रहे हैं वो शायद आपको अब बहुत जल्द शुरू होते हुए नजर आएगी। तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए क्योंकि तो इन्फ्लेशन कोलैप्स करेगी, और वो कोलैप्स करेगी तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स में पॉज लगेगा जिसकी वजह से अपसाइड आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com में पहुँचाई। टेक केयर एंड गुड नाइट।